Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. The carriage held, but just ourselves and immortality. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible. The cornice in the ground. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than a day. By taking the key, you set the apocalypse in motion. Silver box. We can remake the world. I won't let that happen. No one is safe! This is the first of many catastrophes you're doing! पेरू की तरफ आगे बढ़ते हुए जब लारा और जोना प्लेन से जा रहे थे, तब एक अचानक एक तूफान चल रहा था बाहर। तो उस तूफान में उनका जो प्लेन था, वो प्लेन अचानक से दो हिस्सों में बट गया। एक हवा का भाव इतना ज़्यादा था कि वो प्लेन बीच आकाश में ही टूट गया, और जिसकी वजह से जो कॉकपिट था, जहाँ पे जिस जगह को जिस तरह पायलट बैठता है उसे कॉकपिट बोलते हैं, तो उस कॉकपिट एक तरफ हो गया और पीछे का जो पैसेंजर का जगह था वो पीछे चला गया। I'll keep this for later. तो कॉकपिट में लाड़ा थी। लाड़ा ने बहुत कोशिश की प्लेन को उड़ाने की, पर उड़ा नहीं पाई। और पैसेंजर सीट पे जोना बैठा था, तो जोना का जो पार्ट, मतलब जोना जिस प्लेन के पार्ट में था, Jonah! वो पीछे छूट गया, पीछे किसी जंगल में, इसी जंगल पे, अमेज़न के किसी जगह पे वो भी गिरा हुआ है शायद। Hello? तो उसे ही ढूंढना है। Anyone? तो जो पायलट था मिगेल करके, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो शायद सामने कहीं तो गया है। वो भी लाड़ा के साथ ही था, पर उसे भी ढूंढना पड़ेगा और जोना को भी ढूंढना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि घना जंगल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर भरे हुए हैं यहाँ पे। The Silver Crown Mountain. I'm getting closer. Someone's over there. किसी ने फ्लेयर भेजा है, जो भी हो, वहाँ पे शायद कोई ना कोई है, जोना हो सकता है शायद, तो वहाँ पे हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। Oh shit. चलो ले लेता हूँ अंडे, जंगल पे ऑमलेट बना के खाने में मज़ा आएगा। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओह शिट, ऑलराइट, वी आर ओके। आहिस्ते हाउलर्स
जंगली जानवर शायद ओरंगोटंग नहीं है, मंकीज के शायद कोई हो, उनके जाति के कोई हो सकते, पता नहीं। यहाँ पे किसी ने कैंप बनाया था जो भी हो। और शिट, मैंने सोचा कि वहाँ पे कोई बैठा है। ओके, तो अब हथियार ढूंढना पड़ेगा यहाँ से और इस कैंप पे ही अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। पहले सैल्वेज कर लेते हैं जितना भी मिल सके, रिसोर्सेस कलेक्ट करना करते रहते हैं। ओहो, मेरे पास तो कोई छुरा भी नहीं है। चलो ये सब कलेक्ट करते हैं। हर्ब्स है शायद, जड़ी बूटी बना सकते हैं इससे। I didn't know the storm would hit so hard. This is all my fault. Okay, I should have listened to Jonah, thought it through. Training and unlocking that dagger. Skills. I hope no one else was hurt. Path skills. No other village destroyed. ठीक है, तो पहले अपग्रेड्स करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या था। जो टेंपल पे छुरा लेने से वो भूकंप आया, वो सुनामी आई, जिससे वो गांव तबाह हो गया, वो क्यों हुआ वो मैं उसके बाद बताता हूँ। एक मिनट, पहले अपग्रेड्स कर लेते हैं। 2 स्किल पॉइंट्स अवेलेबल, ऑल राइट। बोस कॉयल, इसे अपग्रेड करते हैं। ऑलराइट, तो इस बार अपग्रेड्स के टाइप्स कुछ अजीब है, मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत सारे अपग्रेड्स कर सकते हैं इस बार। अच्छा ठीक है, रेपोसास थ्रेट, ऑलराइट, 1 स्किल पॉइंट। ओके, तो और अपग्रेड्स नहीं कर सकते, हमारे पास स्किल पॉइंट्स नहीं है। और कुछ भी खुला नहीं है, स्टार्ट हुआ है जल्दी तो इसीलिए कुछ ओपन नहीं है। शायद धीरे धीरे गेम आगे बढ़ते हुए खुल जाएगा। तो मैं अब बताता हूँ कि उस टेंपल में क्या था कि जिस वजह से ये सब हुआ हो रहा है। तो उस टेंपल के दीवारों पे माया मिथ्स, जो जिन जातियों ने उस टेंपल को बनाया था, उस जाति ने उस दीवार पे लिखा था कि जो कोकुल खान है, जो देवता माना जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के लिए। I need to cut it down. Okay, तो प्लेन का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्रैश हुआ है, तो उसे हमें सैलवेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शायद हमारे हथियार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं है अब, तो हमें हथियार की सख्त ज़रूरत है। तो हमें हथियार ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले हमारे पास एक चाकू है, चाकू भी नहीं है, सॉरी। तो एक चाकू भी चाहिए जिससे हम उस रस्सी को काट सके। यहाँ से तो उठ नहीं सकते ऊपर। ओके, और आसपास अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो मुश्किल हो सकती है, तो इस वजह से चाकू ढूंढना पड़ेगा। मतलब चाकू नहीं है, इसी वजह से कुछ भी नहीं खोला जा सकता। देखते हैं। ओहो, वो पानी के नीचे चला गया। हमें भी शायद उसके नीचे ही जाना पड़ेगा। ओह शिट, ओह नहीं, ओह शिट, शिट यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बाल बाल बचे, पिछली बार भी आया था पर पकड़ नहीं पाया था ठीक तरीके से, पर इस बार तो जकड़ लिया था पूरी तरीके से। चलो चाकू तो बना लिया है, अब यहाँ से सैलवेज करते हैं जितना हो सके। उसके बाद हमारे प्लेन में जो हमारे चीज़ें हैं जो वो निकालेंगे। ओके,
good, but it's dull. I need to find something to sharpen it. Okay, तो हमारा जो चाकू हमने बनाया है वो बहुत ही डल है, मतलब जंग पड़ गया है उस पर, तो उसे शार्प करना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं, चलो देखते हैं आसपास क्या है। चलो सामने एक बक्सा है। ओके, रफ लैंडिंग। ओके, अब हम लोग हमारे चाकू को शार्प कर सकते हैं। चलो शार्प कर लेते हैं। ओके, वेपन क्राफ्टिंग। ऑलराइट, इससे बहुत हेल्प हो जाएगा। चलो हमारा चाकू अब ठीक हो चुका है, अब हम लोग आसानी से कुछ भी काट सकते हैं और सैलवेज भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। नाइस, वेरी नाइस, दैट शुड बी शार्प एनफ। यप, चलो अब देखते आगे। पहले सैलवेज कर लेते हैं जितना हो सके, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो सैलवेज करने ना अच्छी बात होगी। जितना हो सके यहाँ से सैलवेज करते रहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार घूम के आते हैं। शिट यार, यहाँ पे किसकी आवाज़ हो रही है? Something still holding the supplies up. Okay, कोई। There's a second rope tethering them. Oh, तो एक और रोप रस्सी से शायद वो बंधा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारा जो पूरा सामान है हथियारों का बक्सा जो है वो उतर नहीं पा रहा है। तो हमें उस दूसरे रोप को भी काटना पड़ेगा, जिससे शायद इस तरफ से जाना पड़ेगा बाद में। तो उस रोप को काटना पड़ेगा, कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा पहले। बट मानना पड़ेगा राइज ऑफ द टॉम राइडर की से, मतलब राइज ऑफ द टॉम राइडर से ग्राफिक्स जितना अच्छा था, ये उससे भी कई गुना अच्छा रहे, बहुत ही रियलिस्टिक लगता है जो भी हो। ऑलराइट, तो ये एक और रस्सी है। नाउ आई कैन गेट माय गियर बैक। ओके, तो अब हमारा सामान छूट चुका है, तो कोई मुश्किलें आनी नहीं चाहिए हमें। ओके, नाइस, एज यूजुअल। हर बार की तरह ये बो नहीं हुआ तो शिकार करने में। एनीवन, कम इन। मिगेल, वेयर आर यू? ओके, तो मिगेल अब भी जिंदा है। मुझे जितना मैंने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा शायद, पर वो अभी जिंदा है, अच्छा लगा सुन के। चलो अब उसे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा था कि इस जंगल में अगर शिकारी को, अगर मतलब शिकारियों के हथियार अगर नहीं मिलते हैं तो मज़ा नहीं आता। अब लग रहा है कि मैं जंगल में हूँ, जो भी हो। चलो अब देखते हैं उस पार जाके कि वहाँ पे क्या है। शायद उस पार मिगेल हो सकता है। ओके, अच्छा किस तरफ जाना है, इस तरफ या? ओके, उस तरफ ही जाना है। चलो ठीक है। मिगेल, I don't like this. Shit. Miguel, where are you? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई। Oh no. इतना खून और यहाँ पे किसी ने फ्लेयर भी चलाया था, जो भी हो, शायद मिगेल ही था वो जिसने फ्लेयर चलाया था, मुझे पता नहीं। चारों तरफ खून है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
क्योंकि पिछली बार राइज ऑफ द टॉम राइडर में देखा था हिरन को मारने के हिरन को मार के मतलब जब भी किसी वुल्फ डेन के पास हम लोग जाते थे तब वहाँ पे ऐसे ही हिरन के अवशेष मिलते थे, वैसे ही यहाँ पे जंगली सुअर के अवशेष मिल रहे हैं। इसका मतलब सामने कुछ तो है, शेड भी हो सकता है, पता नहीं, आगे जाके ही पता चलेगा। मिगेल, चौकड़ना रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, अमेज़न का जंगल है ना इसीलिए। शिट यार, इतना खून। ओ शिट, ये मिगेल है क्या? ओ शिट, बुरे फंसे, बहुत बुरे फंसे। शिट, टेक ए डीप ब्रेथ। अरे एक कम था क्या, दूसरा भी आ गया। सच में होली शिट, चौकड़ना रहना पड़ेगा, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। और वो शेर नहीं, वो जैगुआर थे, जो भी हो बहुत ही खतरनाक, अमेज़न के वन ऑफ द खतरनाक जानवर में से एक। चलो उस तरफ जाना है, देखते हैं। पता नहीं किस जगह पे छुपे हुए होंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है, डर भी लग रहा है जो भी हो। Got to be careful here. यहाँ पे क्या है बे? ओके, रफल्ड फेदर्स, पता नहीं ये क्या है, जो भी हो। अटैक मत करना भाई। ओ शिट, डेथ मिस हो गया। ये उसका ही इलाका है तो संभल के चलना पड़ेगा। पता नहीं दो है और कितने हो सकते हैं। ओ शिट, आ जा। फिर से घूम के आएगा शायद, वो रहा, फिर से आ रहा है, आ जा। अरे कम ऑन, आ जा। ओके, भागता कहाँ है रे? फिर से आएगा, वो रहा, आ जा। ओ शिट, आ जा, एक और। ऑल राइट, मरी हो भी गया, बस बच गया। मरता नहीं है यार, और ये साले मजा देख रहे हैं। ओ शिट, आ जा, कम ऑन। ओके, ऑलराइट, एक और, एक और, एक और। ओ
एक बार आ गया। अरे कम ऑन, हट जा। शिट, सॉरी दोस्त, मारना नहीं चाहता था। ओह शिट, बुढ़े फंसे, एकदम बुढ़े फंसे। सॉरी दोस्त, किसे इतनी देर से मार रहे थे और मरा कौन आखिरकार? जो भी हो, शायद इंसान की स्मेल नहीं आ रही थी इसी वजह से अटैक नहीं किया, अगर आती थी तो इतनी देर में उसके पेट में होता। चलो ठीक है, सैलवेज करते हैं एज यूजुअल। उससे पहले हीलिंग कर लेते हैं। F1 टू हील। ओके, अब यहाँ से चीज़ें समेट के यहाँ से निकलते हैं। रिसोर्सेज जितने कलेक्ट होंगे उतना ही अच्छा है। और क्या है, तो मैं अब उस कहानी के बारे में बोल देता हूँ जो उस मंदिर पे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड पे, मैंने बोला था कि उस मंदिर पे माया जो जाति रहती थी, जिस जाति ने उस पिरामिड को बनाया है, उस जाति ने वहाँ पे उस मंदिर के दीवारों पे लिखा था उनके भाषाओं में क्या, कि उस जगह पे एक दो चीज़ें हैं। एक इक्शेल नाम का एक सिल्वर बॉक्स है और एक चाबी है जिससे उस बॉक्स को खोल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो चाबी हम लोगों ने तभी ले ली थी, मतलब वो जो छुरा था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसे हम लोगों ने एकदम मंदिर के टॉप से ले लिया था, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो उस दीवार पे ये भी लिखा हुआ था, जब उस वो बक्सा जिसका है, मतलब कोकुल खान जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, जो जिसने ये सब, ओके, तो जो भी हो, तो जिसने ये सब बोला जाता है, एक माया की सभ्यता में बोला गया है कि जिसने इस पृथ्वी को बनाया है फिर से, तो वो ही फिर से इस दुनिया को फिर से बना सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है। तो जिसकी वजह से उसकी चाबी को वहाँ से लेने का मतलब है, उस चाबी को अगर वहाँ से लेते हैं तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे ये दुनिया जो है ख़त्म की तादाद पे आ जाएगी। अगर जल्दी से जल्दी उस बक्से को नहीं खोला गया तो ये सब कुछ फिर से ठीक नहीं होगा। तो इसकी वजह से ही पहला जो प्रॉब्लम आने वाला था उस चाबी को वहाँ से हटाने की वजह से, वो था वो जो सुनामी आया था, वो जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, बहुत सारे लोग मारे गए और भी ना जाने क्या कुछ हो गया। पर अब भी बहुत कुछ आना बाकी है, पर उससे पहले एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। तो वो पहला वेव था, मतलब आखिरकार जो भी हो, जोना अभी भी जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। Hey, do you know what happened to Miguel? He didn't make it. Shit. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see, Rick. What are you doing? If we leave it in there alone and get worse. लगता है हाथ के अंदर कुछ घुसा है।
sure you know what you're doing. I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. तो जो मैं बोल रहा था कि वो जो सुनामी था वो पहला वेव था, सेकेंड वेव था एक बहुत ही जोरदार आंधी जिसके अंदर प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से दो हिस्सों में बट गया। ये वही उसी आंधी की वजह से हुआ था, उसी तूफान की वजह से हुआ था, जो भी हो। पर अभी भी ये धीरे धीरे और भी वर्स, और भी भयानक आकार लेने वाला है। It's my choice. और अभी भी शायद अर्थक्वेक भी आना बाकी है, भूकंप भी आएगा, और भी बहुत कुछ थे, मुझे ठीक से याद नहीं, पर अब भी होंगे, पर वो धीरे धीरे। तो Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? No, my cousin. He's always trying to get under my skin. Nice to meet you, Eli. Hi, Eli. कुछ कीड़ा था शायद, हाथ के अंदर घुस गया था। जो भी हो, अब इतनी देर के बाद वो ठीक है, ये अच्छी बात है। Thanks. We should go. If we can find Kawakyaku, we can rest for the night. Sounds good. तो अब एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से हम लोग रेस्ट ले सके। लाड़ा और जोना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सके, पर उससे पहले आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। Yeah, I think Miguel was heading toward it when... Poor guy. We can get through here. Give me a hand. Okay. तो शायद साइड पास ही कोई गांव है, उतना तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अगर वो रहा, वहां पे शायद कोई गांव है। चलो ठीक है, अगर रात के अंदर पहुंच गए तो वहीं पे manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out ले सकेंगे जो भी हो। Got my answer. Do you really believe in all that stuff you said about the cataclysms, the apocalypse? I believe that if it is true, it's important enough to die for, or for Trinity to kill for. So this is really about revenge? No. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. It's going to be fun. Nice and easy. Oh. Oh shit. Almost there. Almost there. Heard that before. Cool, brother, cool. Oh, gotcha. Shit. You right? I'm okay. Slow. Just a couple more steps. Okay. Almost. You're all right. I'm okay. तो जो भी हो, तो आप लोग जरूर बोलोगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि लारा के जो पिता थे, लारा के पिता का जो जर्नल था, जिस किताब में इन सब चीजों के बारे में लिखा था। ओके, तो हमें शायद ऑलराइट, तो हमें उस पर जाना है, पर उससे पहले इस ब्रिज को ऑन करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, सॉरी। You wanna try it? I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. Okay, let's see, इस बड़े रोलर को अगर हटाए, सामने की तरफ अगर भेजते हैं तो क्या होता है? It's too heavy. Give me a hand. Come on, Jonah. Okay. Nothing. Okay. Let's let it go.
स्लोली स्लोली छोड़ देता हूँ, छोड़ ही देता हूँ। ओह शिट, अरे अरे अरे, जो भी हो चलो ठीक है। ये तो समझ में आया, पानी का भाव से शायद उस बाल्टी को भरना पड़ेगा, पर पानी पानी का सोर्स ढूंढना पड़ेगा उससे पहले, जिससे उस बाल्टी को हम लोग टॉप ऑफ द वाटर टावर। नहीं, खींच के तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि ये ब्रिज वजन के सहारे ही खुलेगा, तो हमें वजन वजन तो चाहिए, मतलब पानी पानी उस बाल्टियों में भरना पड़ेगा जिससे ये ब्रिज फिर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस ब्रिज को मैं कैसे एक्टिवेट करूँ, देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, नीचे जाके एक बार देखते हैं कि वहाँ से कुछ किया जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही हम लोग आगे जाएंगे। There might be a release valve on top of the water tower. Okay. हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि लाड़ा के पिता जो थे रिचर्ड क्रॉफ्ट, उनके उनके जर्नल पे एक रिडल था जिसे सॉल्व करते ही सॉल्व करने के वक्त इस जगह के बारे में हमें पता चला, तो उसी के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी एक मंदिर है जिसे हमें ढूंढना है, और उस मंदिर पे वो बक्सा है जो सिल्वर बॉक्स जो हमने बोला था, जिस पे ईक शेल का बॉक्स है जो बोला। ओके, तो शायद इससे वाटर सप्लाई खुल जाएगा, शायद देखते हैं। ओके, वाटर पावर्स द ब्रिज समहाउ। ऑलराइट, वाटर पावर आया है, अब शायद काम बन सकता है उसे। यू नो, इफ आई हैड नोन हाउ मच टाइम, ज्यादा बात नहीं करते, काम खत्म करते हैं। कम ऑन, लेट्स डू दिस। जोना, फिर से कम ऑन, कम ऑन। वाटर इज फिलिंग द बकेट। गुड, लेट्स सी व्हाट दोस काउंटरवेट्स डू। ऑलराइट, चलो नीचे जाके देखते हैं। Bucket's leaking. ओहो, तो वो बाल्टी में छेद है जिसकी वजह से वो वजन नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, एक और बार कोशिश करके देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ थोड़ा सा डाउट है। ओके, ठीक है, देखते हैं। मैंने जो सोचा है अगर वही ठीक है तो शायद इस ब्रिज को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। उसे एक रिकॉर्ड बार धक्का मारते और फिर से जल्दी से नीचे जाते हैं, जल्दी से जाना पड़ेगा। ऑलराइट, कम ऑन, अब चलो नीचे चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके, कम ऑन। ओके, ऑल राइट, जोना, यू कैन लेट गो। अब चलो काम बन जाएगा शायद। ऑल राइट, नाइस, वेरी नाइस। मैकेनिज्म अच्छा है। गेस वी गो थ्रू हियर। आफ्टर यू। ऑल राइट। एक और मूर्ति पिछली बार की तरह। Help me with this. Sure. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Okay. So I think कोई नई ability open हुई है,
Eye of the Eagle. Press F4 to use the Perception Herbal Mixture. इससे एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस, अच्छा अच्छा अच्छा, तो शायद इससे मैं एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेस को मैं लोकेट कर सकता हूँ आसपास अगर है तो. ऑलराइट, चलो देखते हैं. We're getting closer to the village. I can't wait to get back to civilization. That's great. नया कुछ सीखने को मिला. चलो ठीक है, अगर यहाँ पे बेस कैंप मिल गया तो शायद. हाँ, ये बात तो सही है कि मेक्सिको में डिफरेंट रुइंस था. No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Paititi, every treasure hunter on earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or. तो जैसा कि मैंने बोला था कि लारा के पिता का जो नोटबुक था, जो जर्नल था, वो मेक्सिको में ही जो चीज़, जो मंदिर था उसके बारे में ही लिखा हुआ था. पेरू के बारे में, जो यहाँ पे हम लोग आए हैं जिस लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए, जहाँ पे उस सिल्वर बॉक्स ऑफ लीशेल है, तो उसके बारे में कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं है. चलो बेस कैंप मिल गया है तो गेम को यहीं पे एंड करते हैं. और क्या, और कुछ है क्या? और वैसे इस जगह पे बहुत सारे हंटर्स आते हैं सिर्फ सोना ढूंढने के लिए, क्योंकि सोने का शहर है. मिलेगा जिसे भी मिलेगा वो बड़ा आदमी बन जाएगा एज यूजुअल, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत फेमस है ये जगह. It's such a relief to have Jonah back, especially after Miguel. At least Jonah didn't ask what happened. The Jaguars. I don't want him to worry. Crafting upgrades. We have to stay sharp if we're going to get ahead of Trinity. All right. चलो अपग्रेड्स करना तो बनता है. अगर ट्रिनिटी के साथ लड़ाई है तो अपग्रेड्स तो करना ही पड़ेगा. देखते हैं कौन सा वाला बेस्ट है. नहीं, ये थोड़ा बेस्ट है. नहीं, सेकंड वाला ही ठीक है. पुका हुक्स बो, यही ठीक है. ओके, ये सब तो ठीक है. अब स्किल अपग्रेड करते हैं. एक ही स्किल पॉइंट अवेलेबल है. पुमास रेस्ट, और ये तो, ये सब कुछ तो खुल चुका है. कौन सा वाला? ये वाला शायद. हाँ, ये वाला ही ठीक है शायद. ओ, इनसफिशिएंट, सॉरी, दो स्किल पॉइंट चाहिए. ये वाला खुल जाएगा. सर्पेंट स्ट्राइक. ओके, कोई स्टेल्थ किल अपग्रेड हुआ है. जो भी हो, अब वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. और ये नया एपिसोड कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना. सो या, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ.